हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड सेवन सेवेंटी रिलेटेड फॉर डिप टू के क्वेश्चन नंबर सी के बारे में सो so, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक ही वीडियो अपलोड कर दी है जिसकी आ, लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी एंड चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना एंड वीडियो लास्ट तक देखना अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना एंड बिफोर दैट क्वेश्चन एंड कोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, आपको अगर कोई डाउट होता है कोड देखने में तो आप एक बार कोड वहाँ तो से आप देख सकते हो ओके सो so क्वेश्चन पे मूव करते क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है मैं इसको आपको नोट पैड पे सॉरी स्केच पैड पे एक्सप्लेन करता हूँ एंड उसके बाद आते हैं. ओके सो so, दिया हुआ क्या है हमारे पास एन एंड के दो इंटीजर दिए हुए हैं सो वन टू एन इन टू के तक के सारे नंबर को हमें क्या करना है एक ग्रिड में अरेंज करनी है ओके okay, सो so हर ग्रेड की जो एक रो मतलब नंबर ऑफ कॉलम होगी वो के होगी एंड नंबर ऑफ रो जो है वो एन है इस तरह अरेंज करने हैं सच डेट किसी भी रो में कितने भी नंबर का एक सेगमेंट बना लिया जाए तो उसका जो एवरेज है जो मीन होगा वो एक इंटीजर होगा ओके okay, सो so ये हमें फाइंड आउट करना एंड बताना कि ग्रेड पॉसिबल है कि नहीं ओके okay, सो so मैं क्या करता हूँ एक पहले तो आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ यहाँ पे जो दिया हुआ टू टू का सो so, बेसिकली एक टू टू का ग्रेड है सो so, हमारे पास नंबर होगा वन टू फोर तो हम पहले नंबर को लिख लेते वन टू थ्री फोर ओके okay? सो so, अगर हम नंबर को ऐसे अरेंज कर रहे हैं वन थ्री टू फोर तो ये क्या हो रहा है अगर हम किसी भी सेगमेंट को देखें वन अकेले को देखेंगे या तो थ्री होगा या तो वन थ्री होगा ये एक सेगमेंट होगा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पूरा डिलीट ही कर देते एक हाँ तो यहाँ पे होगा वन सिर्फ से सेगमेंट होगा यहाँ सिर्फ थ्री होगा और यहाँ पे वन थ्री साथ में होगा तो यहाँ पे अगर देखें तो वन थ्री का सम फोर फोर बाई टू तो इंटीजर वैल्यू आ रही है टू यहाँ पे अकेले थ्री है तो इसका मे एवरेज थ्री है मीन जिसको बोल सकते हैं वन है इस केस में हम देखें तो टू होगा फोर होगा या तो सेगमेंट टू फोर होगा सो इस केस में क्या होगा थ्री इस केस में फोर तो है ही एंड इसमें टू ही होगा सो हम देख रहे हैं कि छः वो जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू जो भी है मीन की वो एक इंटीजर नंबर है ओके सो ये एक वैलिड हमारा जो ग्रिड है वो है तो इस केस में हमें इस ग्रीड को प्रिंट करना उसके पहले हमें बताना कि येस पॉसिबल है ग्रीड अब हमें लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे थ्री थ्री का तो क्वेश्चन रहा है कि थ्री थ्री में पॉसिबल नहीं है तो इसमें हमें सिर्फ नो प्रिंट करना तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे पहले कि पॉसिबल है कि नहीं और अगर पॉसिबल है तो उसको एक ग्रीड हमें प्रिंट करना है सो तो आगे बढ़ते हैं इस पर आई थिंक क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आया हो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दूसरे ढंग से अरेंज किया हुआ कि कॉस्ट uh, जो है वन डॉलर है टू डॉलर तो बेसिकली ये बता रहा है कि आपको नंबर जो है वन टू एन इन टू के जो नंबर हैं वो दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको देखा जाएगा एवरी नंबर जो भी वन टू एन पॉसिबल होनी चाहिए एंड आई एल टू आर जो भी रेंज होगा किसी भी रो का उसका जो मीन है वो एक इंटीजर होना चाहिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सो so, यही आपको एक अरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं वो बतानी है एंड अगर पॉसिबल है तो अरेंजमेंट भी आपको प्रिंट करना है अगर मेरे से पॉसिबल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं किसी भी एक को प्रिंट कर दो ओके सो हम क्या करते हैं इसको इसका जो हमारा लॉजिक है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं अब देखो हमारे पास नंबर जो होगा वन से हम शुरू करते हैं हमारा जो नंबर होगा कुछ इस तरह होगा सिक्स सेवन एट नाइन अब टू बहुत सारे नंबर जो हमारा होगा एन इन, इन टू के तक होगा हम सोच लेते हैं कि जो हमारा है थोड़ा सा बड़ा है तो हम लाइक like, यहाँ पर एक्सप्लेन करने में अच्छा आसान होगा अब क्या होगा आपके पास एक जो होगा वो वन जो होगा वो पूरे ग्रीड में कहीं ना कहीं आ रहा होगा अभी यहाँ से समझने वाली बात है एक जो है पूरे ग्रीड में कहीं ना कहीं तो होगा ओके सो तो एक अकेले है जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक के बाद हमें क्या करना है कोई नंबर को ऐड करना ताकि ये दो का जब ये ग्रीड अगर हम सिलेक्ट करें चूँकि एक किसी न किसी रो में तो हो गई हो क्या और ये तो है कि पूरे जो ग्रीड है वो उसमें हर एक रो में क्या एलिमेंट है सो अगर आप सोच रहे हो कि वन को सिर्फ अकेले रखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता या कोई भी एलिमेंट तब अकेले रहेगा जब अब पूरे एलिमेंट ही वन है हम टू को अकेले नहीं रख पाएंगे अगर एन इन टू अगर ऐसा कुछ हो कि के की जो वैल्यू है हमारी है वो वन से ज़्यादा है तो हम किसी एक एलिमेंट को तो नहीं रख सकते ना एक मिनट ओके सो बेसिकली हम मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ कि एक अगर है तो एवरेज को मुझे एक इंटीजर करने के लिए मुझे एक यहाँ पर ऑड नंबर रखना पड़ेगा वन के साथ अगर एक इवेंट नंबर को रखेंगे तो कभी भी टू से डिवाइजल नहीं होगा ये थ्री बाई टू जो कि है वन पॉइंट फाइव है तो अगर मैं यहाँ पे वन रखता हूँ किसी रो में किसी भी प्लेस पे उस रो में तो मुझे उसके जस्ट कंसेक्यूटिव आगे या पीछे मुझे एक और नंबर रखना होगा थ्री रख सकता हूँ फाइव रख सकता हूँ ओके सेवन रख सकता हूँ अगर पॉसिबल है तो वहाँ तक तो किसी भी एक और नंबर को रखना है बेसिकली तो वन के साथ एक ऑर्डर नंबर आएगा इसी सेम चीज़ को अगर हम देखें तो टू अगर कहीं पर है तो टू के साथ एक इवेंट नंबर ही आएगा तभी तो इस दो का ग्रेड जगह हम कर रहे हैं तो ये एक डिविजुलाई टू होगा ना तो ये हमारा एक यहाँ पे इंटीजर होगा अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा कि यार टू के बाद हमें इवेन ही क्यों लेना तो लाइक इसका भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ टू जो होगा हमारा टू इन टू एन जो हमारे नॉर्मल होगा एंड एक कोई दूसरा नंबर होगा जो टू एन एन वन कह सकते हैं यहाँ पे हम ले सकते हैं टू एन टू इन टू एन वन और टू इंटू एन टू होगा तभी तो दो दो कॉमन होगा तो एन वन प्लस एन टू डिविजल हो पाएगा ओके ऐसा कुछ सो so, यहाँ पे तो हमारा पक्का ये हो गया कि अगर हम टू है तो उसके बाद एक इवेंट नंबर आएगा और वन है तो उसके साथ एक ऑर्डर नंबर आएगा ओके तो ये हो गया हमारा दो तक का क्रिएट के लिए तो एक है उसके बाद कोई एक और ऑर्डर नंबर होगा दो के बाद फिर एक ईवेंट नंबर होगा इसको भी मैं ऐसा लिख दूँ कि ये भी एक ऑर्डर नंबर है तो कोई गलत नहीं होगा इसको बहन ऐसे ऊपर रखते हैं और ये टू के लिए भी लिख देता हूँ कि एक ईवन नंबर होगा तो भी कोई गलत नहीं होगा ओके अब क्या है अगर ये एक ऑड नंबर है तो यहाँ पर ये दो को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे यहाँ पर फिर से एक ऑडर नंबर अगर कि अगर कंप्लीट नहीं हुई है इस रो में फुल एलिमेंट नहीं हुई है तो अगला एलिमेंट जो होगा वो भी एक ऑड नंबर होगा ये सेम प्रॉपर्टी है पीछे अगर एक ऑड है तो अगला ऑड होना चाहिए क्योंकि ये दो का मीन मुझे एक इंटीजर चाहिए ये दोनों का मीन मुझे इंटीजर चाहिए तो ये भी बेसिकली टू इंटू एन वन प्लस वन के फॉर्म में होगा और ये इसको देखें तो टू इंटू एन टू प्लस वन के फॉर्म में होगा सो बेसिकली अगर हम दोनों का सम लेंगे तो टू इंटू एन वन प्लस वन प्लस टू इंटू एन टू प्लस वन तो बेसिकली टू इंटू एन वन प्लस एन टू प्लस यहाँ पे वन हो जाएगा टू का अगर हम कॉमन ले लेंगे सो वेन वी डिवाइड इट बाई टू देन हमारा एक इंटीजर नंबर मिलेगा ओके ओके सो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्लियर है तो ये ऑड होगा तो ये भी ऑड होगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा कि हमारा अगला नंबर ऑड 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 सो बेसिकली आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर रहे हो कि हर एक रो में या तो सारे नंबर ऑड होंगे ऑल नंबर जो होंगे वो ऑड होगा या तो उस रो में सारे नंबर ऑल नंबर इवेन होंगे ये तो क्लियर हो गया अब यहाँ से ओके आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा तो अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके आप इसको एक बार ध्यान से मतलब सुनो कि अगर फर्स्ट नंबर ऑड है तो अगला नंबर ऑड क्यों हो रहा ये तो जरूरी आ रहा ये ऑड हो रहा तो फिर अगर हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं हम यहाँ सब रेंज नहीं ले रहे हैं हमारा जो रेंज है वो यहाँ से ले रहे हैं और फिर से हम दो नंबर की रेंज ले रहे हैं तो ये दोनों के लिए चेक करेंगे तो फिर से हमें अगला को ऑर्डर रखना पड़ेगा इसके लिए सेम केस इवेंट के लिए भी हो रहा ओके okay. अब क्या होगा मुझे ग्रेड में कुछ इस तरह ऑट आउट रो होगा और हमारे इवेंट रो होगा फिर से कुछ आउट रो होगा अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आर्ट हमेशा पहले ही लिखना मतलब यहाँ पे होगा कुछ इवेंट कोई इवेंट रो होगा या तो ऑर्डर रो होगा ओके okay. सो so हम क्या करते हैं हम सारे ऑट नंबर को एक जगह ऐसे रख लेते हैं और सारे इवें नंबर को एक जगह रख लेते हैं ओके okay. अब क्या करें सारे और नंबर को पहले अरेंज करना शुरू करते हैं सारे और नंबर को अरेंज करेंगे तो पहले चेक करना होगा कि ये जितने और नंबर हैं और के से जब इसको डिवाइड करेंगे मतलब कि अगर एक और नंबर बच गया तब तो भाई नहीं हो पाएगा ना क्योंकि और के साथ इवेंट हमको मिक्स करना नहीं है तो के से पहली बात तो ये हो गई कि और जो हमारा है जितने भी ऑड नंबर हैं उनके काउंटिंग वो के से परफेक्टली डिविजवल होंगे ताकि वो कुछ अगर एक्स वन आ रहा तो एक्स वन रो कम्प्लीट हुआ यहाँ पे हमें हर रो में के नंबर रखने हैं तो के से डिविजल होना चाहिए हमारा पहला पॉइंट हो गया ओके okay. दूसरा पॉइंट क्या है इसको ऐसे ही रखते हैं ताकि आपको क्लियर होता रहे इसके लिए थोड़ा कलर पहले चेंज करता है यहाँ पर तो अगर हम अब बात करें दूसरे पॉइंट की अरे यार ये कलर भी चेंज हुआ हाँ तो दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम इवेंट नंबर को अरेंज कर रहे होंगे तो उसमें भी सेम केस होगा इवेन नंबर की जो टोटल काउंट होगी वो हम के कॉल आ, के कॉलम में अरेंज कर रहे हैं तो हमारा कुछ इंटीजर आना चाहिए मीन्स इसमें भी ये भी होगा जो के से डिविजुल होना चाहिए परफेक्टली ये दो पॉइंट है यहाँ पे क्लियर हो रहा ओके okay. तो इसी चीज़ को बस हमें यूज करना है एंड हमें क्या करना है ग्रेड को कंप्लीट कर देना है ओके सो हम क्या करते हैं इसी चीज़ को कोड मैं थोड़ा कोड आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो वहां पे क्लियर होता जाएगा मैं क्या किया इस चीज़ को चेक करता चला गया सो कितने इवेंट हैं कितने ऑड हैं तो, तो टोटल इवेंट नंबर तो टोटल प्लस वन बाई टू एंड ऑड नंबर जो उसकी हो गई नंबर यहाँ पे हम नंबर ऑफ रो निकाले कि बेसिकली ये आई थिंक नहीं निकालने की ज़रूरत है तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये इसी से पता चल जाएगा जितने ऑड नंबर हैं जितने इवेंट नंबर हैं तो मैंने क्या कि नंबर ऑफ़ रो भी निकाले कि अगर इतने इवेन नंबर हैं तो के रो के हिसाब से, कि, से कितना के कॉलम के हिसाब से कितना रो बन रहा होगा एंड ऑड के हिसाब से कितना कॉलम रो बन रहा होगा तो टोटल तो तो रो जो होगा हमारा वो एन के बराबर होना चाहिए तो ये हो गया ऑड जो हमारा टोटल नंबर यहाँ पे जो देख रहे थे टोटल जो हमारा ऑड नंबर है वो किसी कॉलम में होना चाहिए तो परफेक्ट होने के लिए इसको के से इंडिविजअल हो तो अगर ये डिविजुअल नहीं है तो भी और अगर इवेन वाला डिविजुअल नहीं किसी भी कंडीशन में अगर ये फोर्स हो रही है तो हमें नो प्रिंट करना नहीं तो यस प्रिंट यहाँ किया और हमने इवेट आउट को पहले फाइंड आउट किया तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया इवेंट की पोजिशन आउट और और की पोजिशन के लिए मैंने रखा एंड हम क्या कर रहे हैं पहले मैंने सारे ऑड नंबर को पुट कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा क्रिटेरिया नहीं है कि किसी भी Uh, किस को पहले रखना है आप किसी को भी रख लो क्योंकि यहाँ रो बाई चल रही है तो मैंने बस फ्लैग को वन सेट किया और जब तक फ्लैग वन है तो सारे नंबर पुट होंगे और जब तक फ्लैग वन है तो क्या हो रहा है ऑर्ड पोजिशन को मैं रख रहा हूँ उसमें पुट कर रहा हूँ और वह प्लस प्लस करता जा रहा हूँ और जैसे ही ऑड जो होगा लास्ट एलिमेंट होगा तो मैं फ्लैग वन जीरो कर दूंगा तो अगली बार ये सारा एलिमेंट पुट हो जाएगा अब यहाँ पे हो रहा होगा आपको मन में कि ये क्यों ये करने से यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है ना कि मतलब फ्लैग हुआ नहीं ये मतलब आउट ऑफ बाउंड चला जाए क्योंकि ये नहीं जाएगा जिस एक बार शुरू हुआ तो पूरा रो कंप्लीट करें क्योंकि हमने ये चीज़ को पहले यहाँ पे चेक कर लिया है कि ये परफेक्टली इसे डिविजुल है सो जितना भी रो तक जाएगा ये उस सारे रो उस रो के सारे एलिमेंट को वो कंप्लीट करेगा उसके बाद ही यहाँ से टर्मिनेट होगा तो टर्मिनेट जैसे ही होगा तो नेक्स्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा एंड हमारा ये ग्रेड मिलता चल जाएगा तो लास्टली मैंने ग्रेड को प्रिंट किया आप यहाँ पर चाहो तो डायरेक्टली एलिमेंट को प्रिंट करते हुए चले जाते हो ग्रेड बनाने की जरूरत थी नहीं वैसे सो Yeah, ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आई थिंक मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यह क्वेश्चन एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया मैंने सॉल्यूशन कोड वगैरह आपको सारा कुछ समझ में आया हो एंड अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एक बार मैं फिर बोल देता हूँ कि इस कोड का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ सो so, आप वहाँ से एक बार देख लेना अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट होती है एंड डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना यार और किसी तरह का अगर आपको फीडबैक है आपको किसी तरह के क्या आपको फीडबैक मुझे देना है या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको वीडियो रिक्वायरमेंट है तो आप ये भी आप कर सकते हो बता सकते हो मुझे कमेंट में तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं आपको ज़रूर इसके वीडियो सोलूसन भी दूँगा ओके सो मिलते हैं अगले वीडियो में